दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री गोविंद पोद्दार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया, तो आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे को किस तरह सेलिब्रेट किया, क्या आप लोगों का उद्देश्य था, उस बारे में बताइए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल में हमारे यहाँ अनेक विभागों में अनेक MD, MS, DM, अनेक विभाग वाई डॉक्टर्स हैं, उनका सत्कार किया गया, उनके विचार रखे गए और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेवा मिले उसके बारे में एक समन्वयता की गई और प्रकृति की देन ये जिंदगी है, उसी प्रकार प्रकृति की देन एनवायरनमेंट है। उस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण भी डॉक्टर भाइयों द्वारा किया गया। अपना इंस्टीट्यूट मल्टी स्पेशलिटी के नाम से जाना जाता है और चैरिटी में भी काफ़ी आप जो बीमारी है उसको कवर करते हैं, तो आप ये बताइए अभी किस तरह का आप लोगों का ये चल रहा है, पैकेज चल रहा है या कुछ नया एडवांसमेंट और क्या है, उस बारे में बताइए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल 1991 से राष्ट्रपति द्वारा, शंकर दयाल जी शर्मा द्वारा शुरुआत हुई थी। समय बदलते गया, इसके पहले राधा कृष्ण हॉस्पिटल मात्र 2 रूम से शुरुआत हुई थी। आज ये बढ़ते बढ़ते 150 बेड का हॉस्पिटल हो गया। 150 बेड के साथ साथ यहाँ पे ICU है, 1 नहीं 2 नहीं 3 ICU है, जिसके अंदर पूरी ऑक्सीजन पाइपलाइन, पूरे इक्विपमेंट है और OT भी यहाँ 5 OT है। उसके साथ में हर विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सर्जरी होती है। यहाँ कैथलैब है जिसके अंदर एंजियोप्लास्ट होती है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग मॉड्यूलर OT यानी अभी लेटेस्ट बनाया हमने साल भर पहले, 5 OT है। नागपुर के बहुत कम हॉस्पिटलों में 5 OT होगी कि पेशेंट को जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार का OT काम आता है। हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम द्वारा भी रजिस्टर्ड है, जिसमें सैकड़ों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे रिजर्व बैंक है, एयरपोर्ट है, सेंट्रल रेलवे है, ICC रेलवे है, या आपके डिफेंस भंडारा, डिफेंस नागपुर, ऐसे सैकड़ों डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ के अपना इलाज करवाते हैं। और मैं हमारे नागपुर के और नागपुर के आसपास की जनता से निवेदन करूँगा कि वे महात्मा फूले का स्कीम का फ़ायदा लेवे, यहाँ पे आके संपर्क करें कि उनका इलाज कैसे निःशुल्क हो। और मेरे बाजू में डॉक्टर कामदार जी बैठे हैं, ये रामटेक का हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो हमने अभी अभी 100 बेड का हॉस्पिटल 2 साल पहले लिया था कि ग्रामीण विभागों में स्वास्थ्य की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। वहाँ भी काफ़ी ऑपरेशन महात्मा फूले स्कीम के अंतर्गत किए जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनियमित जीवन शैली के चलते हुए महिलाओं में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बदलाव के वजह से कैंसर काफ़ी फैल रहा है, महिलाओं में कैंसर काफ़ी फैल रहा है,
तो कैंसर की दिशा में आपके हॉस्पिटल की तरफ से किसी प्रकार कोई ये चल रहा है क्या? ऐसा है कि कैंसर क्यों फैल रहा है ना, ये सबसे पहले हमको हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में देखना चाहिए। आज हमारे यहाँ पावर हाउस 2000 मेगावाट का प्रोडक्शन है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 100 मेगावाट है। हमारा कोयला इंपोर्ट होता है पोर्ट पे, तो पोर्ट के पास में पावर प्लांट डलना चाहिए। यहाँ हमारे नागपुर के आसपास बोलो या विदर्भ के अंदर ये जितने पावर प्लांट फैल रहे हैं, यदि इसके ऊपर डिलीजेंस रिपोर्ट की जाए तो यह यहाँ की जनता को, आपके जैसे बुद्धिजीवी लोगों को मालूम होगा कि एनवायरनमेंट खराब होने से, पावर हाउस प्लांट आने से कैंसर फैल रहा है। और रही हमारी कैंसर के अंदर, हमारे यहाँ कैंसर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कई टाइप की सेवाएं है और कैंसर के ऑपरेशन भी होते हैं हमारे यहाँ। पर जितने बड़े कैंसर के हॉस्पिटल होना चाहिए उतने बड़े, उतना बड़ा विभाग हमारा नहीं है। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल जो है दिन पे दिन प्रगति शिखर पर अग्रसर है, तो आप ये बताइए किस तरह का आप लोगों का एक व्यवस्थापन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिले, उस बारे में बताइए। नमस्कार, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर सुनीता, मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखती हूँ। राधा कृष्ण हॉस्पिटल पूर्व वर्धमान नगर का एक काफ़ी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बोला जा सकता है। यहाँ पे कार्डियक सेंटर और किडनी विभाग और ऑप्थेलोलॉजी सेंटर जो है सुपर स्पेशलिटी लेवल का ऑप्थेलोलॉजी सेंटर भी है। रही सुविधाओं की बात, मैं थोड़ा सा पहले डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में भी कुछ दो चार शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। गत 1 जुलाई को यहाँ पर डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया, जिस उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रेसिडेंट, हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री गोविंद जी पोदार, इनके हाथों द्वारा की गई। और इसकी जो शुरुआत थी, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन की जो शुरुआत थी, वो हम लोगों ने डॉक्टर्स के हाथों वृक्षारोपण से की। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सामने की तरफ और पीछे अग्रभाग की तरफ और पीछे भाग की तरफ दोनों तरफ गार्डन है, तो उसकी ही शोभा बढ़ाते हुए हम लोगों ने कुछ प्लांट्स उनके हाथों उनका ये किया, प्लांटेशन किया। इसके अलावा जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा उनका फेलिसिटेशन किया गया, डॉक्टर्स का फेलिसिटेशन किया गया, जो सीनियर डॉक्टर्स हमारे हैं, जो कंसल्टेंट्स हमारे हैं उनका, प्लस इसके अलावा जो हमारे युवा डॉक्टर्स हैं उनको भी सब ने एनकरेज करते हुए दो शब्द उनके बारे में बोले और उनका भी फेलिसिटेशन, पुष्पगुच्छ देकर उनका फेलिसिटेशन किया गया। और उस कार्यक्रम का जो आभार प्रदर्शन था वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे संस्था के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऋषि जी कुंगर, उनके द्वारा किया गया। अस्पताल के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया कि चैरिटेबल और मल्टी स्पेशलिटी के अलावा अभी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। एक नेकी का पिटारा हमारे पास में है, जिसका ऐसा है कि वो हमारे यहाँ एक कैंटीन चलती है जो मुफ्त भोजन, जितने भी हमारे यहाँ मरीज एडमिट होते हैं उनको मुफ्त भोजन उनको दिया जाता है। तो नेकी का पिटारा के तहत काफ़ी सारे फ्रूट्स, जूसेस, सर कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? नेकी का पिटारा, नेकी का पिटारा संस्था के द्वारा, उसमें डेली फ्रूट्स है, जैसे सेब है, मौसम्बी है, जूसेस है, या ये दूध है, बिस्किट है, ये निःशुल्क सबको बांटा जाता है। और इसका बोझा हॉस्पिटल को नहीं आता क्योंकि उसका खर्चा वो करते हैं। इसी प्रकार श्याम रसोई, जिसकी अध्यक्षता उषा देवी अग्रवाल है, उनके द्वारा श्याम रसोई चलाई जाती है, उसमें भी पेशेंट को निःशुल्क खाना दिया जाता है। हालात है रामटेक के हॉस्पिटल को उस बारे में? रामटेक की हालत बहुत अच्छे हैं। जब तक राधा कृष्ण हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल चलाने गए थे तब तक वो हॉस्पिटल के थोड़े से दैनिक हालत में थे, पर आज वो हॉस्पिटल आज बहुत अच्छे से चल रहा है। और वहाँ पे आप अभी एक पूछे थे कि कैंसर इसके लिए क्या करते हैं, तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल वहाँ हर हफ्ते में फेरी फेरी में बहुत सबसे ज़्यादा कैंसर का प्रभाव है, पता नहीं चलता है। तो उस चीज़ में हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पे हफ्ते में एक दिन ऑन्कोलॉजिस्ट आके फ्री ये करता है, ट्रीटमेंट करता है। और साथों साथ वहाँ पे एमजेपी जेवा है, ESIC अभी जस्ट इम्पैनल हुआ है, और वहाँ पे हम गरीबों के लिए
बहुत अच्छे से। कितने मरीजों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से एल जी पी जे वाई में अपने 10 ऑपरेशन हो ही जाते हैं। 10 ऑपरेशन पर डे थोड़ी होते, बैठे के हो रहे हैं। नहीं जी, तो भगवान की दया से सभी व्यापार इंडस्ट्री होने के बाद भी फाइनेंस मैनेजमेंट आप देखते हैं और डेली आते हैं। आज यहाँ पे सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त होने के बाद ट्रस्टीगण यहाँ आते हैं और अपने अनुभव का यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं। और मेन रोल तो डॉक्टर और डॉक्टरों की टीम, नर्सेस, ये सब टीम वर्क है, ये सब लोग अपना अपना काम करते हैं। और आप लोगों ने जो आज इंटरव्यू लिया उसके लिए